सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात विभिन्न पदों पर काम कर रहे 226 कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया और वापसी होने तक आंदोलन करने का ऐलान किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना की दूसरी लहर के चलते 6 माह पहले जिला प्रशासन ने 226 कर्मचारियों को अस्थायी पद पर रखा था। कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी 226 कर्मचारियों को उनके पदों से हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी होते ही काम पर आए कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने इसके विरोध में मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कॉलेज के प्राचार्य से भी मिला और साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को वापस अपने पदों पर रखे जाने की मांग की है। जब से हम लगे हैं, एक तो हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, जितनी मिलती थी 6,500 रुपए मिलती थी। हम कोरोना में लगे हुए थे, तो जब हम लगे थे तो हमें इनकी जरूरत थी ना, इन्हें हमारी जरूरत थी। अब हमारी जरूरत खत्म हो गई, कोरोना खत्म हो गया तो हमें बाहर निकाल दिया। हमें कोई लेटर नहीं था, कोई लिखित था ना, कोई कुछ भी नहीं था। जैसे आप हमारे पास है, ऐसे आपको हमारी जरूरत थी। आप सभी जो कर्मचारी हैं एक ही पद पर थे या अलग अलग? नहीं, अलग अलग थे। कोई वार्ड बॉय, कोई वार्ड आया, कोई स्वीपर, ये तीन पोस्ट थी। अब 226 आदमी है सारे जी। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है ये हमारा परमानेंट कर दिया जाए, बस यही मांगे है। और हमारी सैलरी जो टाइम से आनी चाहिए और जो परमानेंट मिलते हैं हमें वो भी 72 दिन बाद, दो दो तीन तीन महीने बाद हमें सैलरी मिलती है। हमारा गाना प्रदर्शन जारी रहेगा, हमारा गाना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग परमानेंट है, परमानेंट।